तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर करनी सेना ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा सीमा हैदर पर कार्रवाई करो वरना हम सीमा हैदर को फेंक आएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पर, नहीं रहने देंगे सीमा हैदर को भारत में। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कानपुर की महापौर ने दिया विवादित बयान, कहा हिंदू का मकान हिंदू खरीदे मुसलमान का मकान मुसलमान खरीदे बनाऊंगी ऐसा कानून। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गिरफ्तार होगी सीमा हैदर, पाकिस्तानी सिम तोड़कर फेंका, अलग अलग नाम से मिले दो पासपोर्ट, सीमा हैदर की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अतीक अहमद को मानसूनी सत्र में लोकसभा में दी जाएगी श्रद्धांजलि, 2006 में जीता था इन्होंने लोकसभा का चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आईएसआई ने की थी नेपाल में सीमा हैदर की मदद, सीमा ने अपनाया 2611 वाला आतंकियों का मॉड्यूल, खुल गई पोल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा में सपा के नेता अबू आजमी ने वंदे भारत का नारा लगाने से क्या इनकार, इस्लाम धर्म के बताया खिलाफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का किया ऐलान, कहा ना तो बीजेपी से गठबंधन करूंगी और ना ही कांग्रेस से। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर करनी सेना ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा कार्रवाई करो नहीं तो हम फेंकेंगे उसे बॉर्डर पर ले आकर। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर पर करनी सेना नाराज हो गई है। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सिंह रावल ने सीमा हैदर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान एजेंट है और आतंकवादी है, अगर एटीएस और मोदी सरकार जल्द उन पर कार्रवाई नहीं करती है तो करनी सेना खुद सीमा हैदर को उठाकर पाकिस्तान सीमा पर फेंक आएगी। वहीं आपको बता दें कि आगे करनी सेना ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान कोई अनाथ आश्रम नहीं है, जिसका मन होता है यहाँ पर चला आता है। जिस तरीके से सीमा हैदर आई है वह बिल्कुल इस बात की ओर इशारा करता है कि वह पाकिस्तान की एजेंट है, एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। मीडिया में मामला काफी हाईलाइट होने के बावजूद प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा है, करनी सेना ने सनातन धर्म और देश हित के लिए यह संगठन बनाया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे आतंकवादियों को चेक करके उसको वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चेतावनी देते हुए करनी सेना ने कहा है कि तत्काल इसे गिरफ्तार करके अगर पाकिस्तान ही भेजा गया तो हमें इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और हम इसे उठाकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंक आएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कानपुर की महापौर ने दिया विवादित बयान, कहा हिंदू का मकान हिंदू खरीदे मुसलमान का मकान मुसलमान खरीदे सरकार लेकर आएगी ऐसा प्रस्ताव। जय दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे चर्चाओं में है। मंगलवार को उन्होंने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक विवादित बयान दिया है। महापौर ने कहा कि वह सरकार से मांग करेगी कि हिंदू का मकान हिंदू और मुसलमान का मकान मुसलमान ही खरीदे, ये कानून बनना चाहिए। मंदिरों में कब्जे को लेकर मुसलमानों की मानसिकता बहुत खराब है, इस पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए। महापौर का कहना है कि कानपुर में हमने 125 मंदिर चिन्हित किए थे जिस पर पूरी तरह से मुसलमानों के अवैध कब्जे मिले, मंदिरों को कब्जा मुक्त कराया जाए, जमीनों पर अवैध कब्जे पूरी तरह से खाली होने चाहिए। महापौर ने क्षेत्रीय लोगों को फटका लाकर मंदिर के चारों ओर से कब्जा खाली करने को कहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गिरफ्तार होगी सीमा हैदर, पाकिस्तानी सिम तोड़कर फेंका, अलग अलग नाम से मिले दो पासपोर्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि सचिन से प्यार का ड्रामा करके पाकिस्तान की बॉर्डर पार कर भारत आई सीमा हैदर पिछले कई घंटों से यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। इस दौरान एटीएस को उसके कई राज्यों के बारे में पता चला है। सीमा के बारे में जो राज पते चले हैं उससे लगने लगा है कि वह जल्दी गिरफ्तार होगी। यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक अगले 2-3 दिन में सीमा को अरेस्ट किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम छानबीन के दौरान सीमा के पास से अलग अलग नाम के दो पासपोर्ट, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन जिसका सिम टूटा हुआ था, जिसकी सिम टूटी हुई थी, इसके अलावा उसके अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले डॉक्यूमेंट में मिले हैं। जांच में सामने आया है कि सीमा ने अपने फोन की पाकिस्तानी सिम को तोड़कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने मोबाइल का डेटा भी डिलीट किया। बताया जा रहा है कि सीमा ने जो सिम तोड़ी है वह नेपाल तक एक्टिव थी, दोनों सिम उनके रास्ते में उन्होंने शारजा और काठमांडू में खरीदी थी। इतना ही नहीं, सीमा जब कभी सचिन से ऑनलाइन बात करती थी तो वह अनजान व्यक्ति के हॉटस्पॉट को इस्तेमाल करती थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद के मानसूनी सत्र में अतीक अहमद को दी जाएगी श्रद्धांजलि, बीते ही दिनों हुआ था हत्या। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पुलिस कस्टडी में अतीक और उनके भाई अशरफ की हत्या हो गई थी। अतीक अहमद सांसद रह चुके हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस बीच खबर ये
सामने निकलकर आई दोस्तों की अतीक अहमद को श्रद्धांजलि संसद में दी जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि संसद का कोई भी सदस्य मौत होती है या फिर उसका देहांत हो जाता है या हत्या हो जाती है, उसकी हत्या के बाद मानसूनी सत्र में उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अतीक अहमद को भी मानसूनी सत्र में कल श्रद्धांजलि दी जा सकती है, जिसका बीजेपी विरोध कर सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल में सीमा हैदर की ISI ने की थी मदद, सीमा ने अपनाया 2611 बाला आतंकी मॉड्यूल। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से नोएडा पहुंची पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने बातचीत करने के लिए आतंकवादियों का वह मॉड्यूल अपनाया जो 2611 में आतंकियों द्वारा भारत में अपनाया गया था। इस मॉड्यूल को पाकिस्तान के ISI की ओर से 3 से 7 महीने के प्रशिक्षण के दौरान दिया गया था। ये मॉड्यूल पूरे तरीके से इनक्रिप्टेड था। जिस मॉड्यूल के माध्यम से सीमा ने नेपाल में बातचीत की उसको खुफिया एजेंसी ने अपनी पड़ताल में पकड़ लिया। हालांकि इस पर आगे अभी जांच चल रही है। फिलहाल बातचीत का ये वही मॉड्यूल है जो 2611 के दौरान पकड़े गए आतंकियों ने पाकिस्तान में अपने आकाओं से बातचीत के लिए अपनाया था। जांच एजेंसियों से जुड़ रहे वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि सीमा ने जिस VIP के माध्यम से बात की उसके लिए इंटरनेट की व्यवस्था ISI की स्लीपर सेल ने नेपाल में कराई। यही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी सीमा हैदर पर पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह की जाने वाली विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम का नारा लगाने से किया इनकार, इस्लाम धर्म के बताया खिलाफ। जय दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा का मानसूनी सत्र महाराष्ट्र में इस समय चल रहा है। मैं आपको बता दें कि अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे भारत का नारा लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस नारे को लगाने का मेरा धर्म इजाजत नहीं देता है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी सहित अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया लेकिन सपा विधायक ने फिर भी ये नारा नहीं लगाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने का किया ऐलान, कहा ना तो NDA और ना ही इंडिया गठबंधन में होंगी शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने गठबंधन को लेकर आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ कुछ शर्तों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में VSP अकेले ही अपने दम पर मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। मायावती ने आगे कहा कि एक तरफ सत्ता पक्ष फिर से अपनी सरकार बनाने की दलील दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के सहारे सत्ता में आने के सपने देख रही है। दोनों ही गठबंधन सरकार में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने पहले जो बात दिखे थे वो खोखले साबित हुए हैं, इसलिए मायावती जी अपनी पार्टी का गठबंधन इन दोनों से ही नहीं करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीमा हैदर का बिहार कनेक्शन आया सामने, UPATS की पूछताछ में उगले कई राज। जब दोस्तों आपको दादे कि पाकिस्तान से भारत में एंट्री करने वाली सीमा हैदर इन दिनों चर्चा में है। सीमा ने दावा किया है कि वो सचिन मीणा के प्यार में सरहद पार कर भारत आई। अब उसके सरहद पार करने की कहानी में बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। पिछले 2 दिन से UPATS सीमा से पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी के सवालों के घेरे में सीमा हैदर फंसती जा रही है। ATS के कई सवालों के जवाब सीमा नहीं दे पाई, ऐसे में उसके पाकिस्तानी जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश ATS की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत नेपाल के रास्ते पहुंची थी। सीमा नेपाल से बिहार के सीतामढ़ी के रास्ते भारत पहुंची थी। ATS की पूछताछ में सीमा ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि सचिन सीमा की लव स्टोरी ने खूब सुर्खियां देश में बटोरी थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद को मिली जमानत तो भड़के नेता। जब दोस्तों आपको बता दें कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी। मंगलवार को 18 जुलाई को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीजेपी सांसद को जमानत दे दी। मामले में एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। अब गुरुवार यानी 20 जुलाई को उनकी सामान्य जमानत पर सुनवाई करेगी। इससे पहले बीते 15 जून को दिल्ली कोर्ट में लोगों ने विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी साबित कर दिया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों का यौन शोषण किया था, उसके बाद ही इसे जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद अब लोग इनके विरोध में आ गए हैं। लोगों ने इस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है इसलिए बीजेपी सांसद का कुछ नहीं हो पाया और वो जेल भी नहीं गया। अगर आम व्यक्ति होता या विपक्षी पार्टियों का कोई नेता होता तो अब तक वो जेल में होता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लगा झटका, करीबी ने बनाई नई पार्टी। जब दोस्तों आपको बता
दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को झटका लगा है। उनके करीबी और पूर्व रक्षा मंत्री परवेज खटक ने नई पार्टी बना ली है। उनकी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्रींस है। खटक पीटीआई के महासचिव और खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने 9 मई की हिंसा के तुरंत बाद पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। हालांकि पीटीआई ने पिछले हफ्ते कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में असफल रहने पर उनको पार्टी से निकाल दिया था। खट्टक ने पेशावर में एक कार्यक्रम के दौरान नई पार्टी का गठन का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें खैबर पख्तूनवा के पूर्व मुख्यमंत्री महमूद खान सहित 57 से अधिक पूर्व सांसदों का समर्थन है। महमूद खान और शौकत अली यूसुफ जई सहित कई पूर्व प्रांतीय मंत्री भी खट्टक शिविर में शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।